रुक करेंगे अब अगली खबर का। साईं को लेकर संघ और शंकराचार्य में जंग जारी है और साईं पर बढ़ते विवाद में जब संघ ने कल सफाई दी तो शंकराचार्य फिर बिफर गए। उन्होंने कहा कि संघ के नेता समझदार नहीं है। शंकराचार्य ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संघ राम मंदिर पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो शुरू किया वही तो नष्ट कर रहे हैं क्योंकि आज उसकी मांग बन रही है और ये बनना करना नहीं चाहते। अब साईं भक्ति पर सनातन धर्म के शंकराचार्य और हिंदुवादी विचारधारा वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच ठन गई है। शंकराचार्य ने संघ नेताओं के ज्ञान और उनके इरादों पर ही उंगली उठा दी है और टकराव की वजह बना है संघ नेता मनमोहन वैद्य का ये बयान। संघ इतना बड़ा संगठन है तो संघ में कई स्वयंसेवक ये साईं भक्त भी है। अपने यहाँ ऐसी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, कौन तय करेगा, ऐसा नहीं है। हिंदू समाज में हर व्यक्ति को अधिकार और स्वातंत्र है, उसका भगवान देवता कौन हो। ये बयान कहानी का दूसरा पहलू है। संघ को शायद ये बयान ही न देना पड़ता अगर इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी का ये बयान न आया होता। उन्होंने भी एक समाज में अच्छाइयां स्थापित हो इसके लिए अपना जीवन लगाया और ऐसे कई महापुरुषों की प्रतिमाएं खड़ी होती है, लोग श्रद्धा से नमन करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह उनको देवता न उन्होंने माना न समाज ने उसको माना। यह बयान सनातन धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के सुर से मेल खाता है। इसे सियासत का एक पहलू समझिए। धर्मगुरु के हक में शायद यह बयान सियासी मुनाफे के लिए दिया गया लेकिन दाव उल्टा पड़ता दिखा तो डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में मनमोहन वैद्य आए ताकि साईं भक्तों का बड़ा खेमा उसकी पकड़ से न छिटके। और मनमोहन वैद्य के बयान से शंकराचार्य का गुस्सा भड़क गया। इस वजह से शंकराचार्य ने संघ नेताओं के धार्मिक ज्ञान पर सवाल उठा दिए। तो नष्ट कर रहे हैं क्योंकि आज उसकी मांग बन रही है और ये बनना करना नहीं चाहते तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो ये आरोप इनके ऊपर लगता है। और हम समझते हैं कि आरएसएस का ये कोई समझदार व्यक्ति नहीं है, इसने साईं चरित्र पढ़ा ही नहीं है। तमाम मतों पंथों वाले हिंदू धर्म में फिलहाल विवाद साईं भक्ति को लेकर है। शंकराचार्य कहते हैं कि साईं का पूजन बंद होना चाहिए क्योंकि वो भगवान नहीं है। आरएसएस ने जैसे ही साईं भक्ति पर शंकराचार्य की लीक से अलग बयान दिया तो उन्होंने आरएसएस सहित बीजेपी पर भी राम मंदिर के बहाने प्रहार किया। धर्म और सियासत आपस में ऐसे गुथे हैं कि अलग नहीं किए जा सकते। अब सियासत और धर्म की उसी गुत्थी से यह नया विवाद उपजा है जिसमें संघ शंकराचार्य के निशाने पर है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।